आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुमार। देखिए इस वक्त हम झाझा के रेलवे स्टेशन में मौजूद है और आपको बता दें कि लगातार, जैसे आपने देखा होगा कि रेल पुलिस के द्वारा सभी ट्रेनों में लगातार सर्च अभियान चलाया जाता है। दिन हो या रात की बात हो, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार जीआरपी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम मौजूद रहती है। और इस बार आज सुबह 9:25 में जैसे ही हैदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस अप प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई, थानाध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में उनका तमाम पुलिस बल ने जनरल कोच में जाकर जैसे ही सर्च अभियान चलाया, वैसे ही एक ट्रॉली बैग में रखी कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं पर इन लोगों को जैसे ही शक हुआ, संदेह हुआ, तो थानाध्यक्ष ने उस ट्रॉली बैग को खुलवाया, जिसके बाद उस बैग में, ट्रॉली बैग में 5 किलो के 2 पैकेट्स बरामद हुए। जब पुलिस ने उसे खोलकर देखा तो गांजे के 2 पैकेट्स रखे हुए थे। हालांकि बरामद गांजे की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। थानाध्यक्ष से भी हमने बातचीत की है, डीएसपी इमरान परवेज से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। तमाम पदाधिकारियों ने यही कहा कि हालांकि देखिए इस मामले में कोई भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी अपराधी पकड़ में पुलिस के नहीं आ पाए हैं, लेकिन प्राथमिकी दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जमुई।